सूचना और लोक संपर्क विभाग लोकार्पण कार्यक्रम मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। इस दौरान लाडपुर रिंग रोड और देहरादून में सूचना और लोक संपर्क विभाग में 10 करोड़ की लागत से लाडपुर रिंग रोड देहरादून में सूचना और लोक निर्माण विभाग 10 करोड़ की लागत से तैयार सूचना और लोक जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सौगात दी जनता को। सूचना और लोक संपर्क कार्यक्रम का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकार्पण किया। देहरादून में सूचना और लोक संपर्क विभाग का लोकार्पण किया। लाडपुर रिंग रोड देहरादून में सूचना और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकार्पण किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूचना और लोक संपर्क विभाग का लोकार्पण किया। उत्तराखंड को 16 साल बाद उसके सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए एक इमारत मिली है और ये काम किया है हरीश रावत जी ने, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही में उन्होंने एक बड़ा काम किया कि यहाँ के सभी जो पुराने पत्रकार हैं उन्हें भी याद किया और साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी याद किया, जिसके लिए ये यहाँ पे एक पूरी फिल्म बनाई गई, ये पूरी दीवार बनाई गई है और ये वो लोग हैं जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, उन्हें याद किया गया जिन्होंने देश के लिए और उत्तराखंड के लिए काम किया था। जानने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से कि ये उनको आइडिया कहाँ से आया। ये जो आपने अपने बुजुर्गों को याद किया है, जो कलम के सिपाही हैं, हमारे भी ये पूर्वज हैं, ये किसने आपको आइडिया दिया? काम है हमारे राज्य के स्वतंत्रता संग्राम के साथ और उससे पहले से भी लोग पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और कई समाचार पत्र हैं जो उस समय से भी चले आ रहे हैं और अब भी किसी न किसी तरीके से पुरानी लीगेसी को अपने कायम रखे हुए हैं। तो ऐसे जो मूर्धन पत्रकार थे जिन्होंने उत्तराखंड की पत्रकारिता को गौरवान्वित करने का काम किया, तो उनकी एक हमने कहा गैलरी होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा काम किया गया है कि इनकी गैलरी यहाँ पर बनाई गई। इसके अलावा उसके अलावा जो है इसमें एक मिनी आर्काइव जैसी भी चलती फिरती जिसमें उस समय के सभी पुराने पत्रों आदि का उल्लेख है, वो सब बना हुआ। इसमें सोशल मीडिया यानी कि अपने अतीत से लेकर सोशल मीडिया तक आप आए हैं, वो सोशल मीडिया जो है, जो आधुनिक पत्रकारिता है, उसको लेके भी विभाग बनाया गया है। 10 करोड़ रुपए की लागत आई है इस पूरे काम में। अब आपको क्या लगता है कि कैसे आपका सूचना विभाग देश और दुनिया के सूचना विभाग से कदम मिलाएगा? सारी सूचना जगत को बधाई देना चाहता हूँ उत्तराखंड के, जिसमें हमारे मीडिया के दोस्त भी सम्मिलित हैं, कि आज अब उनके पास अपना एक भवन है। और विनोद शर्मा जी ने जो आपके लिए काम किया है उसके लिए आप अपने डिपार्टमेंट को क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत कम समय में ये काम पूरा कर रहा है। सीधे तौर पर इधर भी दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि ये वो नया जमाना से लेके स्वराज संदेश भी यहाँ पर है, गढ़वाली भाषा का भी यहाँ पे जो पेपर था वो भी है, उन सारे अखबारों की ये वो कृतियां हैं जिन्होंने कभी इस देश के लिए और उत्तराखंड के लिए काम किया है। वो मुख्यमंत्री खुद दिखा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें हमें हमेशा याद करना चाहिए और ये वो विरासत है जो हमें ये याद कराती रहेगी कि कलम के सिपाही इस उत्तराखंड के लिए और इस देश के लिए काम करते रहे। साथ ही साथ सूचना विभाग भी कदम ब कदम हमारे साथ चलता रहे, यानी कि पत्रकारों के साथ चलता रहे। कैमरामैन कुलदीप के संग मैं प्रखर प्रकाश मिश्रा नेशनल वॉइस के लिए नई इमारत लोक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से देहरादून से जय हिंद।